खैबर पख्तूनख्वा का दो हज़ार बाईस तेईस का बजट खुददार खैबर पख्तूनख्वा तेरह सौ बत्तीस अरब रुपये चार सौ अरब रुपये से ज़्यादा डेवलपमेंट बजट जिसमें तीन सौ पचहत्तर अरब रुपये फंडेड पंद्रह परसेंट इनक्रीज पेज और पेंशन में तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए उसके अलावा जो पंद्रह परसेंट उनको मार्च में दिया था इनक्रीज रिस्क अलाउंस पुलिस के लिए रेस्क्यू स्टाफ के लिए फॉरेस्टर्स के लिए एक तारीखी कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन प्रोग्राम जिससे तमाम नए एम्प्लॉज की पेंशन जो है वो महफूज हो जाएगी और पाकिस्तान में पहला सूबा जो ये तारीखी कदम ले रहा है फेडरल गवर्नमेंट ने एग्जेकटिव अलाउंस दी हम रिफॉर्म करते हुए एग्जेकटिव अलाउंस को परफॉर्मेंस अलाउंस बना रहे हैं बिजली और तेल का बिल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम फ्राइडेज की पॉलिसी सरकारी अफसरों के लिए नया ओ पी डी मेडिकल प्लान जो कि सेहत कार्ड से भी ज्यादा बेहतर होगा और उसमें ओ पी डी भी शामिल होगी और दवाई भी शामिल होगी नई ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन और लीज पॉलिसी ताकि सरकारी अफसरों के पैकेज में व्हीकल भी शामिल हो सके पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉ ये एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और भी बेहतर करेगी 85 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट याद रखें खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले तीन साल में ढाई गुना अपना रेवेन्यू बढ़ाया और पचासी अरब रुपए में अभी भी बहुत से पब्लिक फ्रेंडली टैक्स प्रपोजल्स शामिल हैं जीरो लैंड टैक्स एक रुपए में कार रजिस्ट्रेशन के पी आर ए जो सबसे जल्दी बढ़ती हुई रेवेन्यू अथॉरिटी है उसकी चौंतीस कैटेगरीज में स्टैंडर्ड रेट पर डिस्काउंट यू आई पी टी में दिसंबर से पहले अगर आप पहले पैसे दें तो डिस्काउंट बड़े प्रोग्राम्स बड़े ऐलानात पच्चीस अरब रुपये सेहत इंसाफ कार्ड के रोल आउट के लिए जिसमें नए डिजीजेज कैंसर की एडवांस ट्रीटमेंट थैलेसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट छब्बीस अरब रुपए इंसाफ फूड कार्ड के लिए जिससे 10 लाख खानदानों को मुफ्त आटा मिलेगा एक अरब रुपए से नया इंसाफ एजुकेशन कार्ड जिससे खैबर पख्तूनख्वा के गरीब नौजवान अगर चाहें तो आगा खान यूनिवर्सिटी लम्स और पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते और उनको पैसों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी एजुकेशन में दो अरब रुपये फर्नीचर के लिए तीन अरब रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं ताकि किसी के बच्चे किसी भी बच्चे को ज़मीन पर ना बैठना पड़े एक एक अरब रुपये पेरेंट टीचर काउंसिल्स को टीचर रिक्रूटमेंट के लिए और सेकेंड शिफ्ट स्कूल्स के लिए ताकि हर स्कूल में चार टीचर भी हों और ताकि हर बच्चे को मौका मिले कि वो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ए के तहत मुफ्त तालीम हासिल कर सके पहला सूबा जो स्पेशल एजुकेशन जहाँ पर वो बच्चे जिनकी डिसबिलिटीज़ होती हैं वो अलीहदा इस्कूल में पढ़ते हैं उनको और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम ओ यू को करके इन दोनों को मिलाएंगे और खैबर पख्तूखा पहला सूबा होगा जो इनकलूसिव एजुकेशन की तरफ़ जाएगा हेल्थ में छप्पन अरब रुपए एम के लिए चार नए एम टी आईज कोहाट हरिपुर चार सद्दा और फाउंटेन हाउस पेशावर और चार नए मेडिकल कॉलेजेस बुनेर दीर हरिपुर में फखशोले यूनिवर्सिटी में और चार सद्दा सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में 32 डी का रिवैम्प जिसके लिए चार अरब रुपए इनशा अगले महीने पहले 12 हॉस्पिटल्स में काम शुरू होगा प्राइमरी केयर में पिछले छह महीने में 680 से ज्यादा बी एच हुई और इस साल हजार प्लस बी एच यूज को इख्तियार देके वो खुद से रिवैंप करेंगे 24 डिस्ट्रिक्ट्स में अट्ठावन सेकेंडरी हॉस्पिटल्स यानी 3000 से ज्यादा बेड्स और 15 डिस्ट्रिक्ट्स के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ डालने में हमारी प्रेफरी में सारा हेल्थ केयर सिस्टम रिवैम्प हो जाएगा आठ एम आर आठ बड़े अजला में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जिसमें हुकूमत 50 करोड़ की सब्सिडी देगी रिकॉर्ड मेडिसिन बजट और डी में फेज वाइज फ्री ओ मेडिसिन का निजाम एक अरब का स्पेशल ग्रांट बनू डिवीज़न और साउथ और और डेरा इस्माइल खान डिवीजन के लिए पोलियो के लिए पहला सूबा ताकि हम पोलियो के वायरस का खात्मा करें एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए माओ के लिए एम्बुलेंस सर्विस हर ज़िले में रूरल एरियाज़ में ताकि बहुत से जो हम बात होते हैं डिलीवरीज़ में वो ना हो और हर कोने से जो है वो लोग हस्पताल पहुँच सके रेस्क्यू में हर तहसील में एक्सपेंशन फायर ब्रिगेड सर्विस की इंटग्रेशन ताकि एक ही बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस पूरे पाकिस्तान में सारे इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो करें न्यू पिशावर वैली फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम जो कि इन्वेस्टमेंट ला के अस्सी हजार हाउसिंग यूनिट्स क्रिएट करेगा हयात में पाँच सौ मिलियन से पिशावर सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज दो बड़े स्टेडियम्स पिशावर में अरबाब न्याज और हयात क्रिकेट स्टेडियम्स इनशाला वो कम्प्लीशन की तरफ जाएंगे सैंतीस अरब रुपए टी एम एस के लिए और अट्ठारह आशारिया चार अरब रुपये विलेज काउंसिल्स के लिए खैर पखतनख्वा वो सूबा है जो अपने लोकल गवर्नमेंट्स पे सबसे ज्यादा पैसे लगाता है रिकॉर्ड टूरिज्म बजट रिकॉर्ड बजट क्लाइमेट चेंज के लिए जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की खरीदारी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बिलियन ट्री सुनामी के लिए पैसे तीन आशारिया पांच अरब रुपए के प्रोग्राम्स खुतिन के लिए सैतालीस अरब रुपये हमारे रोड नेटवर्क के लिए बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या गवर्नमेंट के फंडिंग के तहत जो है वो चल रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बनाएंगे चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल स्वात मोटरवे फेस टू दीर मोटरवे पूरे पाकिस्तान का सबसे पहले ग्रीन फील्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टेरशरी हॉस्पिटल रिंग रोड पिशावर में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर होगा दराबा इंडस्ट्रियल जोन इन्वेस्टमेंट इस सूबे में आ रही है कोक का प्लांट रहा, खुल रहा है स्टील प्लांट्स खुल रहे हैं एफिनिटी एक टॉप सॉफ्टवेयर हाउस पिशावर में 200 लोगों का ऑफिस जो है वो खोल रही है आठ अरब रुपए के एम जो दुबई में साइन हुए उसमें पहले एक अरब रुपए के एम ओ में भी ट्रांसलेट हो गए हाइड्रोजन प्लांट्स और हरिपुर में एक स्मार्ट सिटी जो कि कोत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया का सबसे पुराना और प्रेस्टिजियस सॉवरन वेल्थ फंड उनके साथ बन रहा है और आखिर में कबाइली अजला के लिए बजट तो दो सौ अरब रुपये से ज्यादा लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेड फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग सिर्फ एक सौ दस अरब रुपये क्योंकि वो ऐसे हालात में भी कबाइली अजला के लोगों के साथ सियासत खेलेंगे लेकिन जैसे इस बजट का नाम है खैबर पखतनख्वा एक खुददार सूबा है और इन शाह हम पूरे पाकिस्तान को रिफॉर्म का रास्ता भी दिखाएंगे और इन हम पूरे पाकिस्तान को डेवलपमेंट का रास्ता भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इमरान खान की विजन ही पाकिस्तान का मुस्तबिल है बहुत बहुत शुक्रिया